हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास के बारे में, जो कि अक्टूबर माह 2021 में 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो कार्तिक मास में आपको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए और किस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर 19 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो इस बीच में आपको अच्छे से रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांत मन से रहना है और भगवान में अपना मन रमाना है। ये विष्णु जी का अति प्रिय महीना है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि ये मासों में अति उत्तम मासोत्तम मास माना जाता है। जैसे हमारी नदियाँ जो हैं, नदियों में सबसे उत्तम नदी हमारी गंगा जी मानी जाती हैं और सबसे जो पवित्र हमारी जो ग्रंथ होते हैं उनमें हमारे चारों वेद माने जाते हैं, उसी तरह से मासों में उत्तम जो है हमारा ये कार्तिक मास माना गया है। तो इसको अगर जो कोई थोड़ा भी कर ले गया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर आप नहा धोकर एक दीप दान करिए भगवान के निमित्त, और उसके बाद आप अपना रोज का काम शुरू करिए। इससे ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और हमेशा वो लोग खुशहाल रहते हैं। तो इस दिन बोलते हैं कि जो भी उठ कर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाए, दीप दान करे, सुबह दीप दान कर दे और सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को तुलसी जी के नीचे दीप दान करें। तो इसके दो तीन मेन वो बताए गए हैं। सबसे पहला, कार्तिक मास में नदी तालाब या पोखर कहीं भी स्नान कर कर दीप दान करें, तुलसा जी के नीचे दीप जलाएं, तुलसा जी के पूरे मास सेवा करें और देसी घी का दीप रोज उनको शाम को लगाएं, और इसी तरह विष्णु जी की पूजा करें। इसी मास में जो है हमारी देव उठनी एकादशी आती है, जिसमें चार मास के पश्चात विष्णु जी सोकर जागते हैं और इसी दिन से मांगलिक काम हमारे शुरू हो जाते हैं जो कि 3-4 महीने से बंद चल रहे होते हैं। तो वो एकादशी भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वो भी इसी मास में पड़ती है, और इस मास में लोगों को ये सब जो मांस मदिरा इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और इस मास में जितना हो सके अच्छे से अच्छे आप काम करिए। आप जितना भी कर सकते हैं, किसी गरीब की, किसी बुजुर्ग की, किसी जो भी ज़रूरतमंद है उसकी अगर आप कर सकते हैं तो उसकी मदद करिए, दान दीजिए। ये सब काम बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जो व्यक्ति भी इस तरह की चीज़ें करता है भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं। और इसी बीच में बोला जाता है कि इस मास में ज़्यादा तेल का वो नहीं करना चाहिए। जो लोग भी कार्तिक मास करते हैं, स्नान करते हैं, तो वो लोग जो हैं इस महीने में तेल को छोड़ रखते हैं, सिर्फ चतुर्दशी वाले दिन जिस दिन छोटी दीपावली होती है उस दिन को छोड़कर बाकी पूरे मास में वो लोग तेल का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे वो शरीर पर हो और चाहे वो किसी अंग पर या सर पर कहीं भी हो, तो वो लोग उस एक महीने में तेल नहीं छूते हैं। इसी तरह जो है इस महीने में पूजा पाठ, उपवास, कीर्तन, ये सब भगवान में मन रमाना चाहिए, बाकी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, दान करना चाहिए। इसी मास में बोलते हैं अक्षय नवमी आती है, अक्षय नवमी जिस दिन उसको आंवला नवमी भी बोलते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करी जाती है, लोग उसके वृक्ष के नीचे बैठकर जाकर खाना खाते हैं और उसकी छाया में बैठकर अपने को अक्षय बनाते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो ये त्यौहार भी उसी में आता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग जो है दान करते हैं, पवित्र नदियों में, मंदिरों में, आंवला के पेड़ के नीचे दान करते हैं, मंदिरों में दीप दान करते हैं, हर जगह जाके दीप दान करना चाहिए। जितना हो सके आपसे, जितना आप इस मंथ में दीप दान करेंगे उतना आप अपने जीवन के लिए अच्छा करेंगे और अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे। तो कुल मिला के कार्तिक मास का यही एक निचोड़ होता है कि जितना आप हो सके अपना भक्ति में मन लगाइए, अच्छे काम करिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, दीप दान करिए और नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं पवित्र नदी में, आपको घर में ही करना है और नहीं, ऐसा आजकल जिस तरह का टाइम चल रहा है कि नहीं जाके कोई नदियों में नहा सकता है इस टाइम पर, तो आप कोई बात नहीं, आप अपने घर में नहाइए, अपने बाल्टी में नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल लीजिए एक ढक्कन
और उसमें थोड़ा सा आप पिसा आंवले का पाउडर आता है उसको लेके रख लीजिए, उसको थोड़ा सा एक चुटकी डाल लीजिए और उस पानी से आप स्नान कर लीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना किसी नदी में जाके पवित्र नदी में स्नान करने का मिलता है। तो इस तरह से करके भी आप अपने 300 दिन का कार्तिक मास का पालन कर सकते हैं। बहुत से लोग तो जो कार्तिक मास करते हैं या चतुर्मास करते हैं वो इस मास में एक टाइम ही भोजन ग्रहण करते हैं और ज़मीन पर ही शयन करते हैं। तो जैसा अगर आप करते हैं जिस तरह से वो आप करते रहिए, और जिस मतलब जो इसके नियम बनाए गए हैं हमारे पुराणों में उनको करिए। उतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो ज़रूर करिए और अच्छे से अपने कार्तिक मास को इस तरह करिए दोस्तों। और दोस्तों इसी जानकारी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।